दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 27 फरवरी 2024 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं आज दिन भर में क्रिकेट के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है सभी अपडेट्स को वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली हम एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज को लेकर, जहां पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के 4 टेस्ट मैच ऑलरेडी यहां पर समाप्त हो चुके हैं। 4th टेस्ट मैच हमें रांची के स्टेडियम में देखने को मिला, जिस मैच में टीम इंडिया ने काफी रोमांचक अंदाज से यहां पर जीत दर्ज की और इस 4th टेस्ट मैच में जीत दर्ज करने के साथ टीम इंडिया ने यहां पर इस टेस्ट सीरीज में फिलहाल 3-1 से अजेय लीड हासिल कर लिया। जी हां, इस टेस्ट सीरीज को भारतीय टीम ने अब अगले अपने नाम यहां पर कर लिया है और अब सभी को बेसब्री से इंतजार है इस सीरीज के अगले मैच का, जहां पर इस सीरीज का 5वां व अंतिम टेस्ट मैच हमें 7 मार्च से 11 मार्च के बीच भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे धर्मशाला के स्टेडियम से लाइव देखने को मिलने वाला है। यह मैच भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार होने वाला है, क्योंकि इस मैच में सीरियसली बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस यहां पर होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस शानदार मैच के आगाज से पहले इस मैच को लेकर कुछ बड़े अपडेट्स, कुछ बड़ी खबरें यहां पर निकल कर आ रही है। चलिए वन बाई वन हम बात कर लेते हैं सभी अपडेट्स के बारे में। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है WTC फाइनल को लेकर। जी हां, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच की रेस में टीम इंडिया ने यहां पर बहुत ही बड़ा इजाफा पिछले मैचों में जीत दर्ज करके किया है। जी हां, नई पॉइंट्स टेबल को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे, जहां पर भाई आपकी टेबल टॉपर न्यूजीलैंड की टीम यहां पर है। लेकिन टीम इंडिया जो अभी सीरीज से पहले थोड़ा सा बॉटम में हमें देखने को मिली थी, फर्स्ट टेस्ट में हम जैसे ही आ रहे थे हमारी सिचुएशन वहां पर खराब हुई थी। लेकिन भाई अभी यहां पर लगातार 3 मैचों में जीत दर्ज करके टीम इंडिया ने बाउंस बैक किया है, 2nd नंबर पर फिलहाल भारतीय टीम आगे। और वैसे में यहां पर आने वाले मैचेज में लगातार जीत दर्ज करके WTC फाइनल की तरफ भारतीय टीम अपने कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है KL राहुल के कमबैक को लेकर। क्या हमें 5वें टेस्ट मैच में KL राहुल टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कमबैक करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं आएंगे? क्योंकि मैं आपको पता है फर्स्ट टेस्ट वो खेले थे, उसके बाद इंजर्ड थे, लगातार 2-3 मैचेज इन्होंने मिस किए हैं। हर बार मतलब ऐसी उम्मीदें थी भाई अब कमबैक करेंगे, लेकिन एट द लास्ट टाइम ऐसा ही अपडेट देखने को मिलता था कि वे रिकवर नहीं कर पाए, जिसके चलते सिलेक्शन के लिए यहां पर KL राहुल अवेलेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों, फाइनल यहां पर KL राहुल के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जहां पर KL राहुल फाइनली अपनी इंजरी से बिल्कुल पूरी तरह से 100% रिकवर कर चुके हैं। और भाई यह 99.9% कंफर्म्ड है कि भाई 5वें टेस्ट मैच में डेफिनेटली KL राहुल हमें भारत की प्लेइंग 11 में देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है जसप्रीत बुमराह को लेकर। जी हां, पिछले टेस्ट मैच में 4th टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह को BCCI ने आराम देने का ऐलान यहां पर किया था, जिसके बाद मतलब काफी सारे लोग सवाल कर रहे थे कि भाई वो 5वां टेस्ट मैच खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। तो इसके ऊपर भी हमें एक बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिला है, जहां पर फिलहाल यही क्लेम किया जा रहा है कि भाई जसप्रीत बुमराह में 5वें टेस्ट मैच में भी रेस्ट ही करते हुए नजर आने वाले हैं। अभी BCCI उनका कमबैक कराना नहीं चाहते, उनको लेकर किसी भी टाइप का कोई भी रिस्क यहां पर लेना नहीं चाहती। IPL और IPL के बाद T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, जिसके चलते खिलाड़ियों को थोड़ा सा सेफ रखने की कोशिश भी यहां पर जरूर की जाएगी। और भाई हाईली चांसेस है कि भाई 5वें टेस्ट मैच में भी हमें आपके यहां पर जसप्रीत बुमराह रेस्ट करते हुए ही नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा IPL 2024 को लेकर, और खबर है टीम चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर, जहां पर CSK की टीम ने सीरियसली IPL के नेक्स्ट एडिशन के लिए अपनी तैयारियों की शुरुआत जोरों शोरों से यहां पर कर रखी है। लेकिन दोस्तों, टीम को बड़े झटके भी यहां पर लगे, जहां पर IPL के आगाज से पहले ही इस टीम के काफी सारे बड़े बड़े खिलाड़ी इंजर्ड हो चुके हैं। मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के वन ऑफ द टॉप बॉलर यहां पर फिलहाल इंजर्ड है, इंजरी सीरियस से IPL 2024 से रूल्ड आउट होने वाले हैं। CSK टीम फिलहाल उनके रिप्लेसमेंट की तलाश कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ आपको बिल्कुल क्लियर कट बताना चाहूंगा, डिवोन कोनवे और रचिन रविंद्रा दोनों ही खिलाड़ी फिलहाल इंजर्ड थे, इंजरी के ऊपर अलग अलग तरह के हमें अपडेट्स देखने को मिले थे। लेकिन CSK ने खुद कंफर्म कर दिया है कि भाई IPL 2024
ओबीसी से पहले ये दोनों खिलाड़ी बिल्कुल अच्छी तरह से रिकवर कर लेंगे और फर्स्ट मैच से ही सेलेक्शन के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है आईपीएल 2024 के रिगार्डिंग ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को लेकर। जी हाँ, आपको पता है कि भाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम का जो फैन बेस है सीरियसली बहुत बड़ा फैन बेस है और भाई ये रीजन आप सभी को पता है। हालांकि टीम ने कोई ट्रॉफी अपने नाम नहीं किया लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली को लेकर यहाँ पर बड़ा फैन बेस इस टीम ने बनाया है और भाई हर बार इस टीम का जो जर्सी लॉन्च होता है उसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन दोस्तों अब की बार आईपीएल 2024 के आगाज से पहले टीम आरसीबी की जर्सी को लेकर एक बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है जहां पर इनकी जो मेन जर्सी होने वाली बिल्कुल वही होगी। जी हाँ, रेड एंड गोल्ड आपका ब्लैक भी मिक्स वहां पर होगा लेकिन रेट्रो जर्सी को लेकर बड़ी खबर निकल कर आई है जहां पर भाई एक मैच में बिल्कुल यूनिक कलर की जर्सी हर आईपीएल एडिशन पहनते हैं। मैक्सिमम इन्होंने यहां पर ग्रीन जर्सी का यूज किया है, जिस साल कोविड था उस साल उन्होंने ब्लू जर्सी का भी यूज किया था। लेकिन दोस्तों अब की बार बिल्कुल नई यूनिक जर्सी के साथ एक मैच में आरसीबी की टीम खेलने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल यूनिक कलर के साथ जर्सी होगी। अब किस कलर की जर्सी होगी कोई यहां पर अपडेट्स नहीं है लेकिन दोस्तों बिल्कुल यूनिक तरीके की जर्सी को लेकर फिलहाल आरसीबी काम कर रही है और केवल एक मैच में नहीं बल्कि 3-4 मैचों में यहां पर आरसीबी की टीम अपनी रेट्रो जर्सी का इस्तेमाल करती हुई नजर आने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है आईपीएल 2024 के रिगार्डिंग लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को लेकर जहां पर टीमों ने अपनी कमर कस ली है आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए। तैयारियों की शुरुआत यहां पर कर दिया लखनऊ की टीम को लेकर और पंजाब किंग्स की टीम को लेकर बड़ी खबर है। दोनों फ्रेंचाइजियों ने फाइनली यहां पर आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए अपने अपने होम ग्राउंड्स में अपने अपने प्रैक्टिस सेशंस अपने अपने प्रैक्टिस कैंप्स का आगाज कर दिया है। खिलाड़ियों ने ज्वाइन कर लिया है। कल भाई इन्होंने अपने खुद सोशल मीडिया हैंडल्स पर खिलाड़ियों की प्रैक्टिस करती हुई फोटोज यहां पर शेयर किया। नहीं भाई, अब सीरियसली आईपीएल 2024 के लिए, क्योंकि आपको पता है केवल एक महीना यहां पर बचा भाई, अच्छे तरीके से यहां पर सभी फ्रेंचाइजी अपनी तैयारियां करने में जुट गई है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है हार्दिक पांड्या के कमबैक को लेकर। फाइनली यहां पर हार्दिक पांड्या की वापसी का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज खुशखबरी निकल कर आ रही है। वर्ल्ड कप 2023 के दौरान यह खिलाड़ी टीम इंडिया के स्क्वाड से बाहर हुआ था, तब से लेकर अब तक सभी उनके कमबैक का इंतजार कर रहे थे। इंजरी से रिकवर कर चुके थे, फिटनेस पर भी सीरियसली हार्दिक पांड्या ने बहुत बड़ा काम किया है। कंट्रोवर्सीज में भी रहे हैं, मुंबई इंडियंस टीम के नए कप्तान बन गए हैं लेकिन हार्दिक पांड्या के कमबैक को लेकर अभी तक कोई खबर नहीं थी। लेकिन फाइनली कल अचानक से बड़ी खुशखबरी निकल कर आई जहां पर हार्दिक पांड्या ने फाइनली गंभीर इंजरी के बाद एक बार फिर से क्रिकेट में अपना कमबैक कर लिया है। जी हां, डीवाई पाटिल ट्रॉफी में कल वो यहां पर खेले थे, 3 ओवर डाले थे, गेंदबाजी कराई थी, 22 रन दिए थे और भाई 3 बड़े विकेट्स भी हार्दिक पांड्या ने अपने नाम किए थे। सीरियसली एक ब्रूटल कमबैक यहां पर हार्दिक पांड्या ने करके दिखाया। आईपीएल में सभी को बेस्ट एक्सपेक्टेशन है, फुली फिट होकर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों चीजें हमें करते हुए आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस के कप्तान देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है मोहम्मद शमी की हेल्थ अपडेट को लेकर। शमी के ऊपर क्या अपडेट है, लगातार कमेंट्स थे, लगातार सवाल थे। तो भाई आपको पता है मैंने बताया था भाई मोहम्मद शमी फिलहाल गंभीर एंकल इंजरी का शिकार हो गए हैं। वर्ल्ड कप के दौरान भी उनके पैर में इंजरी थी, इंजेक्शंस लेकर लगातार खेले, इंजेक्शंस अब थोड़े से भारी यहां पर पड़े हैं जिसके चलते रिसेंटली मतलब वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक क्रिकेट से दूर चल रहे हैं, आने वाले कुछ टाइम और ज्यादा मिस करेंगे। जी आपका आईपीएल 2024 से टोटली रोल्ड आउट हो चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भी फिलहाल वो काफी ज्यादा डाउटफुल है जिसके चलते समस्याएं तो यहां पर सीरियसली बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फिर भी दोस्तों जैसे कोई नेक्स्ट अपडेट फर्दर अपडेट हमें किसी भी टाइप की सिचुएशन के रिगार्डिंग यहां पर देखने को मिलता है तो अपडेट आपको डेफिनेटली सबसे पहले क्रिकेट इंडिया चैनल ही प्रोवाइड करने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर। जहां सभी डिटेल्स रिवील हो चुकी है, 1 जून से 29 जून के बीच यह शानदार टूर्नामेंट में दो कंट्रीज में वेस्टइंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिलने वाला है। सभी डिटेल्स रिवील हो चुकी है, पूरा शेड्यूल कार्यक्रम वेन्यू सब कुछ मतलब आधिकारिक तौर पर रिवील हो चुका है। स्क्वाड डेडलाइन भी फाइनली आ चुकी है जहां पर ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि 15 अप्रैल 2024 से पहले पार्टिसिपेट कर रही 20 की 20 टीमों को T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए आईसीसी के पास अपने फाइनल स्क्वाड्स की लिस्ट यहां पर सबमिट करानी पड़ेगी और भाई जैसे यहां पर फाइनल लिस्ट जैसे यहां पर T20 वर्ल्ड कप के लिए सभी टीमों के स्क्वाड्स देखने को मिलते हैं तो अपडेट आपको डेफिनेटली सबसे पहले क्रिकेट इंडिया चैनल ही प्रोवाइड करने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। वेन्यूज को लेकर बड़े सस्पेंस बरकरार थे लेकिन फाइनल
फाइनली यहां पर बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ, वेन्यू को लेकर मैंने आपको बताया था पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स है, पाकिस्तान में भारत जाना नहीं चाहता है, और ऐसे में भाई काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी में पीसीबी बीसीसीआई आईसीसी के बीच देखने को मिली थी। लेकिन फाइनली एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जहां पर ऐसा लगभग 99% कंफर्म हो चुका है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में किसी न्यूट्रल वेन्यू पर देखने को मिलेगी। जी हाँ, पाकिस्तान में अभी है टूर्नामेंट नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, यहां दिनभर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। लाल की सुनो बजता है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।